हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ ज्ञान कास्ट 24 में। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जो झूला साहब डॉक्टरों के ऊपर इस टाइम में बहुत ज्यादा मुसीबत चल रही है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर दिक्कतें चल रही हैं। उन्हें क्या है कि अभी सीएमओ साहब और डीआई वगैरह, एसीएमओ, मतलब जो भी हैं, सब लोग उन्हें बहुत ज्यादा हड़का रहे हैं और उनके दुकानों पर जाकर नोटिस दे के आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा छापेमारी चल रही है। तो उसी से आज बचने का एक ऐसा उपाय बताऊंगा फ्रेंड्स, जितने भी झूला साहब डॉक्टर हैं बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आज एक ऐसी आपके लिए एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपना क्लिनिक भी चला सकते हो और आपका सीएमओ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास लीगल चीजें होंगी। तो फ्रेंड्स, उन्हीं के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देख लेना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्किप करने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा वो तरीका कि आप कैसे अपने जो झोला छाप डॉक्टर है वो कैसे क्लिनिक चला सकते हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं पूरा माजरा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या करना है आपको कि जैसे कि कोई वीएमएस है या फिर जो एमबीबीएस, एमबीबीएस तो बड़े डॉक्टर हो गए, लेकिन बीएमएस है तो कोई बीएमएस डॉक्टर की आप डिग्री, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन है उससे आप अपनी दुकान पर उनका रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। जैसे कि कह दीजिएगा कि वो हमारे डॉक्टर, जो हमारे डॉक्टर हैं वो इस दुकान पर बैठ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब आप शुरू करें दुकान, जब भी खुलवाएं, तो उस टाइम पे 2 या 3 दिन के लिए बीएमएस डॉक्टर सिखाएं, आप हमारे मेडिकल या क्लिनिक पर बैठ जाइएगा। उससे क्या है, आपको बेनिफिट्स क्या होंगे कि जब भी कोई डीआई वगैरह आएगा, मतलब सॉरी सीएमओ वगैरह, तो उस टाइम आप बता दीजिएगा कि डॉक्टर साहब अभी बाहर गए हैं या फिर डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं थोड़ी बहुत देर में। उसके बाद आप अरेंज कर लीजिएगा डॉक्टर को और डॉक्टर के पास मतलब जाकर बात कर लेना और उन्हें अपने क्लिनिक पर बैठा लेना। तो ऐसी कंडीशन क्या है, आपको पता चल जाएगा। और आप ये मत बताना कि आप ही दवाई दे रहे हैं यहाँ पर, केवल उनका रजिस्ट्रेशन है, आप ये नहीं बताना। आप केवल क्या, वो डॉक्टर साहब अभी बाहर गए या फिर डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं थोड़ी बहुत देर में। ऐसे में क्या है, डॉक्टर साहब को बुला लीजिएगा और वो बता देंगे। तो वो आ जाएंगे तो बता देंगे ये मेरा क्लिनिक है और मैं ही इस पर बैठता हूँ और मैं ही इलाज करता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपका जितना भी दिक्कतें हुई है, मतलब कोई भी जितना भी झूला साहब डॉक्टर वगैरह है उनको दिक्कतें हो रही है, वो वाली दिक्कतें आपको नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन है उस डॉक्टर के नाम होगा, तो वो डॉक्टर आपको मौजूद मिलेगा वहां पर सीएमओ को। ऐसे में आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जब सीएमओ चले जाए उसके बाद वो डॉक्टर भी चले जाएंगे और आप अपना काम करते रहिएगा। लेकिन जो भी आप उनका चार्ज होता है, वो उनका चार्ज आपके दुकान से बन जाएगा, या फिर महीनेदारी या फिर साल का जितना भी रजिस्ट्रेशन चार्ज आएगा वो उन आपको देना पड़ेगा उन डॉक्टर साहब को। तो बीएमएस ही सही है, क्योंकि एमबीबीएस को भी आपको डिग्री नहीं देंगे। तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं बचने का दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका फ्रेंड यही है कि अभी दूसरा तरीका कोई अच्छा नहीं निकला है, क्योंकि आप जब भी सीएमओ आए तो आप अपना सेटअप डालिएगा और तुरंत निकल लीजिएगा, ये ज्यादा बेस्ट है। या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा उस एरिया के डॉक्टर का, कि जब भी सीएमओ आपके एरिया में मतलब एंट्री करें उसके बाद आपके ग्रुप में पता चल जाए और आपकी दिक्कतें कुछ भी ना हो। तो फ्रेंड, बहुत ज्यादा बेस्ट तरीके थे ही, इन दोनों में से कोई सा भी आप एक आजमा लीजिएगा, 100% आपका जो झापेमारी चल रही है उससे आप निजात पा पाएंगे और बच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अभी झोला साहब डॉक्टर्स पर बहुत ज्यादा मुसीबत आई हुई है, तो उनकी मुसीबत कुछ ना कुछ कम होगी। तो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो, आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।